कभी कोई नास्तिक होता है तो बोलता है कि मंदिर की जरूरत नहीं है कभी कोई पूछता है कि मंदिर से समाज को क्या लाभ होता है इतने बड़ा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर मंदिर का पत्थर का इतना अच्छा कार्विंग से खड़ा कर दिया ठीक है बूढ़े होंगे श्रद्धा वाले होंगे वो आएंगे बाकी इससे समाज को लाभ क्या होगा ये बातें मन में कभी रहती है और सभी लाभ तो बाद में मैं आपको कहूंगा पहला एक प्रथम लाभ जो आप सभी को स्पर्श हो जाएगा किसी नास्तिक को भी बोलेंगे तो उसको भी स्पर्श हो जाएगा और वो भी अपनी छाती पे हाथ के बोलेगा कि मंदिर की जरूरत है वो लाभ लाभ पहला लाग आपको मैं सिखाता हूं मंदिर की भारत के अर्थतंत्र में इंडियन इकोनॉमी में कितना प्रदान है वो आपको शायद पता नहीं होगा भारत में पैंतीस लाख मंदिर है कोई मंदिर में सिर्फ एक पुजारी होता है छोटा सा मंदिर होता है कोई में दो तीन लोग होते हैं सेवा में होते हैं तनखा वाले होते हैं कोई बड़े मंदिर होते हैं जैसे हमारा स्वामीनारायण अक्षरधाम है दिल्ली में वहां आठ सौ हजार का स्टाफ होता है जगन्नाथपुरी या रामेश्वर ऐसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान होते हैं तो वहां ज्यादा भी लोग होते हैं जिनको तनख्वाएं मिलती है तो ये एक दो व्यक्ति या एक दो रोजगार इसे लेके आठ सौ हजार पंद्रह सौ दो हजार की रोजगारी देने वाले मंदिर की बात आप करें आप एवरेज दस व्यक्ति की ले लो आई एम टॉकिंग ऑफ मिनिमम एवरेज है टेन पीपल पेड अ मंदिर पैंतीस लाख मंदिर है भारत में मतलब साढ़े तीन करोड़ लोगों को हर महीने तनख्वाह मंदिर देता है बिगेस्ट इंडस्ट्री भारत में साढ़े तीन करोड़ को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मंदिर देता है दूसरी कोई इंडस्ट्री मुझे बताएं आप साढ़े तीन करोड़ वाली अब तो सिर्फ मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं अब अभी यहां हमारे मंदिर में 100 डेढ़ सौ कारीगर काम करते हैं उनको कई महीनों से तनख्वाह मिलती है और एक डेढ़ साल तक तनख्हे मिलेगी तो इकोनॉमी में अर्थतंत्र में ये बड़ा एक योगदान मंदिर का है। ये तो मैंने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात की अब आप मंदिर में जाएंगे कोई तो वहां मंदिर के बाहर कोई बैठे होते कोई फूल लेके बैठे हैं कोई फुलहार लेके बैठे हैं कोई और पूजा सामग्री लेके बैठे होते हुए इट तो वो यहां फूल बेचते हैं फुलहार बेचते हैं तो शाम को से सौ डो सौ रुपया कमा लेते हैं और दो तीन पर, परिवार का परिवार होता है उनका परिवार चल जाता है जिसको हम कमर्शियल भाषा में इनडिरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं देखा है ना आपने मंदिर के बाहर लोग बैठे और कुछ ना कुछ पूजा सामग्री भक्तों के लिए लेके बैठे हैं उनको बेचते हैं और वहीं से हम लेके फिर चढ़ावा करते हैं हा या ना सबको अनुभव है इसको बोलते हैं इनडिरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उसको हाफ मतलब पांच गिन लो एक मंदिर की एवरेज तो भी पैंतीस लाख मल्टीप्लाइड बाई फाइव राउंड फिगर ले लो मतलब पौने दो करोड़ की बात है पौने दो करोड़ और लोग भारत में ऐसे हैं जो इनडिरेक्टली एम्प्लॉयड बाई द मंदिर पहले साढ़े तीन करोड़ बताया डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में पौने दो करोड़ इनडिरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में कितने हुए सवा पांच करोड़ अब तीसरा सेक्टर एंसिलरी एम्प्लॉयमेंट मतलब नासिक में से किसी ने बस निकाली कि चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं दर्शन यात्रा के लिए और पचास लोग बस में बैठ गए तो बस वाले को आमदनी शुरू हुई कंडक्टर और ड्राइवर को नासिक से जगन्नाथपुरी बस पहुंची दो दिन दो रात वहां बीच में ठहरी तो जहां ठहरी वहां होटल में होटल वालों को इकोनॉमी एक चौन हुई एक साइकिल हुई ये लोग ने वहां बीच में जहां रुक के वहां से कुछ खरीदी की तो लोकली लोग लोक जो बनाते हैं जो भी कुछ है उन लोगों को कुछ बिजनेस मिला हाँ या ना दो दिन तक जहां ठहरे वहां होटल है रेस्टोरा है कुछ फ्रूट की छोटी सी लारी लेके खड़े हैं उनके पास से किसी ने छह केले लिए इकोनॉमी रोल हुई ना सब जगह पे इसको एंसिलरी एम्प्लॉयमेंट गिनते हैं वो भी करोड़ों की है पता है भारत में सबसे बड़ा टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म है भारत में जितने लोग म्यूजियम देखने आते हैं जितने लोग मॉन्यूमेंट देखने के लिए आते हैं जितने लोग साइंस और टेक्नोलॉजी या और कुछ देखने के लिए आते हैं उससे कहीं गुने ज्यादा लोग मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं अगर टूरिज्म की आप बात गिनो तो रिलीजियस टूरिज्म इज द लार्जेस्ट टूरिज्म ऑफ इंडिया एंड दस द लार्जेस्ट टूरिज्म ऑफ द वर्ल्ड तो ये रिलीजियस टूरिज्म में जो इन्वॉल्व होते होंगे इन लोगों की भी इनकम मंदिर की वजह से और एक लास्ट सेक्टर गिन लोग कई गरीब लोग ऐसे हैं डिजेबल्ड है फिजिकली चैलेंज है वो मंदिर के बाहर बैठे हुए होते हैं उनको हम दया की भावना से मदद की भावना से कुछ पैसे देते कोई भी भक्त पचास पैसे दे दिए दो पांच रुपये दे दिए ऐसे लाखों लोगों की दिनचर्या उस मदद की आधार से चलती है तो वो भी लाखों हुए तो ऐसे आप गिने अनेक प्रकार के तो सात से आठ करोड़ लोग वो भारत में कमाते हैं और उस व्यक्ति के आधारित सिर्फ तीन व्यक्ति ले लो आप परिवार में तो एट इंटू थ्री चौबीस करोड़ चौबीस से पच्चीस करोड़ लोग भारत में मुंह में अपना अन्न रखते हैं वो मंदिर की वजह से रखते हैं अगर मंदिर नहीं है मंदिर जरूरत नहीं इस प्रकार की विचारधारा वाले हैं और अगर मंदिर नहीं किया तो ये आठ करोड़ लोग को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा इसलिए जो नास्ती के और मंदिर में नहीं मानते वो पूछे कि मंदिर की जरूरत नहीं तो उनको पूछना कि ये आठ करोड़ लोग को एम्प्लॉयमेंट कौन देगा अगर मंदिर नहीं होंगे तो अब कन्विंस हुए कि मंदिर की जरूरत है मैंने तो आपको सिर्फ एक दृष्टि से बताया इसलिए वो हमारे भारतवर्ष के स्तंभ है और एक आलसेशन कुत्ते उसकी भी जनरेशन में उसकी भी पीढ़ी में उसके संस्कार उसके रूप उसके रंग आए मतलब उसकी लेगेसी बनी रहे उसके लिए कितने प्रयोग होते हैं एक एनिमल या बर्ड स्पीसीज एक्सटिंक होने वाली है तो उसके लिए सरकार कितने पैसे की खर्च करती है उसको एक्सटिंग नहीं होने देने के लिए तो ये मंदिर में जो कलाकार है पत्थर की नकाशी जानते हैं अगर मंदिर नहीं बने उनकी कला एक्सटिंक हो गई तो उसके लिए पैसे खर्च नहीं पड़ते हैं सरकार को करने पड़ते होते हैं लेकिन उनकी इन व्यू ऑफ देम वी आर डूइंग इट तो ये बड़ी बात है मंदिर में जो सेवा करते हैं बुढ़ापे में लोनलीनेस की अनुभूति करते हैं लोग सुसाइड करते हैं मंदिर होता है तो शाम को मंदिर में आते हैं एक दो घंटा बैठते हैं बूढ़े लोग अस्सी नब्बे साल के और उनको दो चार दो चार ऐसे ग्रुप वाले मिल जाते हैं बैठ के बातें कर लेते हैं संध्या आरती कर लेते हो तो मूड में आ जाते हैं लोनलीनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हा क्योंकि तो उनके बच्चे तो और कोई सिटी में सेट हो गए प्रदेश चले गए तो अस्सी नब्बे साल के दोनों पति पत्नी घर में अकेले हैं तो लोनलीनेस की अनुभूति होती है वो मंदिर से जाती है मंदिर में हजारों लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं रिटायर होने के बाद हमारे बीएपीएस मंदिर में हमारा आधे से भी ज्यादा स्टाफ वो मंदिर में निस्वार्थ सेवा करते हैं कि चलो मैं रिटायर हो गया साठ साल की उम्र हो गई लेकिन स्वस्थ तो है शरीर में दो घंटा तो कुछ सेवा दे सकता हूं मंदिर में तो सुबह में दो घंटा वो अकाउंट ऑफिस में आ जाएगा या किचन में आ जाएगा या हाउस कीपिंग में आ जाएगा तो उनको एक इन्वॉल्वमेंट मिलता है एक सेवा का संतोष मिलता है उनका टाइम अच्छा पास होता है तो ये भी एक बड़ी मंदिर की समाज की सेवा है और यहां मंदिर में जब आते हैं तब संत मिलते हैं और कोई कार्य मिलते हैं उनको व्यसन मुक्ति की बात करते हैं आपको जान के ताजुब होगा कि बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था में आज तक 40 लाख से ज्यादा लोगों लोग निर्वासनिक हुए हैं निर्व्यसनी हुए हैं चालीस लाख से ज्यादा लोग निर्व्यसनी हुए हैं टेन परसेंट गिन लो तो चार लाख लोग के कैंसर बचे मंदिर में आने की वजह से तो ये काम यहां मंदिर से होता है यहां बच्चों के लिए प्रवृत्तियां चलती हैं, टीनेजर्स के, के लिए चलती है यंगस्टर्स के लिए चलती में हम लोग हंड्रेड एंड सिक्सटी टू डिफरेंट ऑफ एक्टिविटीज करते हैं सोशल कल्चरल एजुकेशनल मेडिकल एनवायरमेंटल मॉरल एक्टिविटीज करते हैं तो ये बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है परदेश में जो अमेरिका में जो ये कैंपस आप देख रहे हो इससे ऐसे 110 से ज्यादा कैंपसेस है वहां हम स्पेशल बिल्डिंग्स में क्लासरूम बनाते हैं बच्चों के लिए भाषा सीखने के लिए गुजराती सिखाते हैं हिंदी सिखाते हैं क्योंकि वहां बच्चे पैदा हुए वहीं बड़े होते हैं स्पेनिश मैक्सिकन बच्चों के भी स्कूल में रहते हैं तो फिर भूल जाते हैं भाषा भूल जाते हैं अपना खाना पीना तो उनको भारतीय रखने के लिए अपने रूट्स के साथ संबंध रखने के लिए यह सब परिश्रम प्रमुख स्वामी महाराज ने आज तक किया है महान स्वामी महाराज हमारे प्रकट गुरूरी कर रहे हैं और सब संत ये परिश्रम उठा रहे हैं तो ये समाज की बड़ी सेवा इसलिए ये मंदिर है वो आधार स्तंभ है और तीसरा बड़ा आधार स्तंभ है संत वो समाज में निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं बीएपीएस संस्था में 1200 से भी ज्यादा संत हैं। इनमें से 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं इनमें से 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन एंड ब्रिटिश सिटीजन है इनमें से पचास से भी ज्यादा संत स्टैनफर्ड हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड काना जैसे इंस्टीट्यूट पढ़ के आए हैं ये ये तो मैंने आपको इसलिए गिनाया इसलिए कहा कि आप ये ना समझे कि कुछ जमा नहीं होगा संसार में इसलिए ये लोग यहां बैठ गए आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कुछ जमा नहीं होगा कुछ ठीक नहीं चला होगा कुछ घर में झगड़ा हुआ होगा भाग गया होगा कुछ नौकरी नहीं मिली होगी इसलिए भाग के यहां बैठ गया ये मत समझना ये सात दिसंबर को मतलब बीस दिन के बाद प्रमुख स्वामी महाराज का हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी है उसी दिन शाम को हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज 100 युवाओं को दीक्षा देंगे 100 और ये 100 युवा ऐसे नहीं है कि आ गए और उनको दीक्षा दे दी दे हैव टू पास थ्रू थ्री इयर्स ऑफ रिगरस ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग सेंटर में तीन साल की ट्रेनिंग रहती है फिर हमारे गुरुजी जी शब्द उनको एलिजिबल गिनते हैं तो ही दीक्षा मिलती है और वो भी प्राथमिक दीक्षा मिलती है सफेद कपड़े की जिसको हम पार्षद परमिशन फॉर्म चाहिए और इक्कीस साल पूरे हो जाए उसके बाद आ सकता है अपने मेच्योर माइंड से आता है अपनी सोच से आता है अपने जीवन के बारे में सब कुछ छोटी मोटी अनुभूति करने के बाद यहां आता है ऐसे छोटे छोटे बच्चे पकड़ के हम दीक्षा नहीं देते हैं ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है सिस्टमैटिक है एकदम मॉडर्नाइज मौर, मौर, इंस्टीट्यूशनलाइज है प्रमुख स्वामी महाराज ने ये दीक्षा भी बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी है तो ये जो दीक्षा लेने वाले हैं उसमें नासा के इंजीनियर भी हैं माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर भी हैं गूगल के इंजीनियर भी हैं और आप जो एमेजोन पे ई e कॉमर्स पे जो मंगवाते हो उसमें जो एक सॉफ्टवेयर चलता है वो उसका डिजाइनर भी वहां दीक्षा लेने वाला है बीस दिन के बाद एक मूर्ख दो मूर्ख दस मूर्ख सौ मूर्ख हा या ना एक साथ एक मंच पे जो सौ युवा दीक्षा लेने वाले हैं दो पांच को आप मूर्ख गिन लो सौ और ये भी इतने पढ़े लिखे इनमें से बाईस या पच्चीस तो बॉर्न एंड raised इन द यूएस बॉर्न अमेरिकन सिटीजन है वहां के ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं सामान्य परिस्थिति में वो छोड़ के ही आता है ये कपड़े कभी पहनता है मतलब वे जानते हैं कि इससे मैं समाज में अच्छा योगदान दे पाऊंगा समाज की सेवा कर पाऊंगा और मेरा जीवन धन्य कर पाऊंगा वो समझते हैं इसलिए आते हैं। तो संत समाज को क्या देते हैं? संत है वो समाज को क्या देते तो बोलते हैं कि सेम्स आर द फिल्टर सिस्टम ऑफ द सोसाइटी वो फिल्टर सिस्टम कैसे शुद्धि देते हैं आपको